Good morning. I am Dr. Chirag, a neurologist working at a senior consultant at Thor Super Speciality Hospital. Today we are here to talk on Parkinsonism. Parkinsonism is basically a very broad term. It includes bradykinesia, which means कि शरीर में धीमापन आना, tremors, हाथ में कंपन आना, akinesia मतलब आपका बेसिकली शरीर में जो आपकी मूवमेंट्स हैं उसमें धीमापन आना, उसमें स्लोनेस आना, प्लस पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी मतलब अपने हम बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाए। इसमें से अगर कोई भी दो लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम द पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसमें आपके बहुत सारे अंडरलाइन कॉजेज आते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉजेज है, उसमें IPD इसके इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें पार्किंसन प्लस में आपके DSP, MSA, DLBs और वेरियस ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म्स भी आते हैं। पार्किंसोनिज्म बेसिकली होता क्यों है? हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है विच इज़ कॉल्ड एज डोपामीन। जब ये डोपामीन हमारे ब्रेन के सब्सटेंशिया नाइग्रा से कम होना शुरू हो जाता है तो बॉडी में इस तरीके की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसको हम आमतौर पर बहुत उम्र के साथ में ये बढ़ने वाली दिक्कत होती है। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मरीज़ की उम्र तो बढ़ती जा रही है तो जो धीमापन है वो उम्र की वजह से है, जो कि यूजुअली नहीं होता है। जब ये डोपामीन की कमी हो जाती है ब्रेन में तो उस टाइम पर आपके शरीर में धीमापन, हाथ में कंपन आना, पोस्चर को बैलेंस नहीं कर पाना, आपके मूवमेंट्स कम हो जाना, आपके उसी के साथ में ही आपके कभी कभी जो ट्रिमर्स हैं बेसिकली आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स आने शुरू होते हैं। रेस्टिंग ट्रिमर्स का मतलब कि जब आप बैठे हैं तो आपका हाथ अपने आप ऐसे करके हिल रहा है, तो ये इसकी स्टार्टिंग की फीचर्स होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्किंसोनिज्म को ट्रीटमेंट आजकल बहुत एडवांस हो चुका है। जो आपका डोपामीन की डेफिशिएंसी है उसको हम बाहर से सप्लीमेंट करते हैं बाय द नेम ऑफ अ ड्रग सिंडोपा। जो सिंडोपा की हम स्टार्ट करते हैं तो सिंडोपा इज़ अ वेरी वंडरफुल ड्रग। इसमें हम जब बिगनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है पेशेंट्स को इन टर्म्स ऑफ ब्रेडिकाइनेजिया एंड ट्रिमर्स। पोस्चुरल स्टेबिलिटी यूजुअली उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स। एडवांस स्टेज में हमारे पास में ऑप्शंस भी रहते हैं लाइक DBS, इसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोड्स डाल करके हम बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन में डोपामीन की जो डेफिशिएंसी है, जो आपके केमिकल कम है, वो आपका स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो एक बेसिकली हम इंट्राक्रैनियल ब्रेन में हम डोपामीन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स इंप्रूव करते हैं इन DBS ऑल्सो विच इज़ सेम दी आपके जो सिंडोपा रेस्पॉन्सिव होते हैं। It's bradykinesia, tremors as well as slightly gait, not to that extent. Gait में improvement उतना common नहीं होता है। बाकी जो पार्किंसोनिज्म है, if I talk about PSP, इसमें हम क्या होता है पेशेंट को bradykinesia तो होता है। Apart from that इसमें अर्ली सिम्टम्स में आपके recurrent falls आते हैं, चलेगा थोड़ी देर के बाद में फिर गिरना शुरू हो जाएंगे, मतलब बार बार फॉल्स आते हैं। that falls अगर in the first year of illness। सेकेंड थिंग इज MSA आपके MSA दो तरीके के होते हैं, इसमें एक पार्किंसोनिज्म भी होता है और एक आपके बैलेंस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो MSA में मेन जो आपका प्रिडोमिनेंट फीचर है ये आपका ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन, मतलब पेशेंट्स को बार बार बाथरूम जाना या फिर आपके खड़े होकर के एकदम से चक्कर सा आ जाना, प्लस साथ में पार्किंसोनिज्म फीचर्स होने ज़रूरी होते हैं। DLB डिमेंशिया इज डिफरेंट सिनेरियो। इसमें आपके अर्ली हेलुसिनेशंस आने शुरू होते हैं, साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस आते हैं, प्लस पार्किंसोनिज्म आती है, प्लस साथ में इसमें आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है। तो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म इज बेसिकली इसमें क्या है जो बहुत सारी मेडिकेशंस होते हैं विच आर द साइड इफेक्ट विच इज सिमिलर टू दी पार्किंसोनिज्म लाइक domperidone. Domperidone is a very frequently prescribed medication. Levodopa is also the same thing. Usually क्या होता है पेंटॉप के साथ में हम कंबाइन करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स गुड, बट आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईयर्स में अगर आप ले रहे हो तो इट प्रोड्यूसेस अ साइड इफेक्ट विच इज सिमिलर टू दी पार्किंसोनिज्म। तो इसको इतना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली कुछ आपके एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, वो भी आपके साइड इफेक्ट्स में आपके पार्किंसोनिज्म्स आते हैं, राइट? तो वी शुड नॉट टेक दीज फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Okay, thank you.